अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ PUBG Vision। तो PUBG Vision के चैनल में आप लोगों को एक बार फिर से खुशामदीद कर लेते हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम हर वीक में एक ऐसी लंबी, मतलब 6-7-8 मिनट की वीडियो डालते रहते हैं, कंप्लीट वीक को, चैलेंज को, हम मिशंस को एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम फिर से वीक 5 के चैलेंजेस को एक्सप्लेन करेंगे। और अगर हाँ आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ वाली घंटी पर क्लिक कर देना। वहाँ से आप लोगों को 3 ऑप्शन आ जाएंगे, वहाँ से आप लोगों ने ऑल पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से मिलती रहेंगी। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, लेट्स गो। तो वीक 5 के मिशन आप लोगों को मैं एडवांस में आज बता देना चाहता हूं। तो फर्स्ट मिशन जो है, अर्न एस आर अबाउट 3 टाइम व्हाइल इन अ टीम विद फ्रेंड्स इन क्लासिक मोड। तो इस मिशन में आप लोगों ने करना क्या है, क्लासिक मोड में पहले तो गेम प्ले कर देना है। क्लासिक मोड में आप लोगों को सबसे पहले दिखा दूं, ये आप लोग देख सकते हो क्लासिक से रिलेटेड, ये एरेंगल है, मीरमार है, सनहॉक है और ये वाला वीकेंडी है। यानी इस मैप, इस सारे मैप में से कोई भी आप गेम प्ले कर लो, किसी भी मैप में प्ले करो तो ये क्लासिक ही में प्ले होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लासिक येलो दिखाई दे रहा है और मेरा सेलेक्ट है। ठीक है, तो मैं ये भी प्ले कर सकता हूँ, इसमें भी प्ले कर सकता हूँ और इसमें भी, लेकिन ये मेरे पास डाउनलोड नहीं है इसलिए। तो आप लोग जिसमें प्ले कर लो। और हाँ, आप लोगों ने करना क्या है, ये गेम जो है इस चैलेंज के लिए आप लोगों ने अपने फ्रेंड को यहाँ से इनवाइट करना है, मतलब उनके साथ आप लोगों ने गेम को प्ले कर देना है। और गेम को प्ले करने के बाद फिर क्या करना है, गेम को अच्छी तरह खेलना है, मतलब सेफ गेम खेलनी है, लास्ट तक अपने आप को बचा के रखना है, किसी सूरत में हो लास्ट में आप लोगों को बचा के रखना है। आई थिंक अगर आप लोग 5 नंबर पे या 3 नंबर पे आते हो गेम में तो आप लोगों का ये चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। और हाँ, RNS क्या चीज है, जब आप लोग को गेम, मतलब आप लोग गेम में मर जाओ या गेम कंप्लीट हो जाए तो आप लोगों को एक, मतलब वो किल्स और डैमेज और ये वाली वैल्यू जो आती है, मतलब वो दिखाई देते कि आपने इतने किल किए, इतना डैमेज दिया है, इतना, और ये सब जो लिखा होता है उसके साथ यहाँ साइड पे एक एरिया लगा होता है, इस तरह का एरिया लगा होता है और इस एरिया में आपका पूरा प्रोसेस लगा होता है, मतलब येलो कलर का, कि आपने इतना एरिया मैप में कवर किया था। अगर उस एरिया के ऊपर आप लोगों का एस लिखा हुआ था, ठीक है, तो फिर आप लोगों का ये चैलेंज कंफर्म हो गया। ठीक है, अगर एस नहीं लिखा था तो फिर तो मतलब एस से अबव होगा, एस प्लस होगा। अगर एस से प्लस होगा फिर तो आप लोगों का चैनल कंप्लीट होगा, लेकिन अगर एस से कम हुआ तो कुछ और लिखा होगा जो कि अब फिर आप लोगों का ये चैलेंज जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट चैलेंज को, यानी मिशन को डिस्कस करने वाले, आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो रहा है, लैंड ऑन एनी रूफटॉप बिरेटाइज रिसरोट सनहॉक 3 टाइम इन क्लासिक मूड। तो ये भी क्लासिक मूड में सनहॉक में गेम को प्ले कर देना है यहाँ पे, ठीक है। और पेराडाइज, तो मतलब आप लोगों को पता ही होगा पेराडाइज लोकेशन जो कि मतलब बहुत ही मशहूर जगह है सनहॉक में, तो आप लोगों ने मैप को ओपन कर लेना है। जब आप लोग जहाज में होंगे, मैप को ओपन करते ही आप लोगों ने सनहॉक पे आप लोगों ने मार्क कर देना है और सनहॉक में आप लोगों ने उतरना है। और ये प्रोसेस कितनी दफा करनी है, ये तरीका 3 दफा आप लोगों ने दोहरानी है, यानी 3 गेम आप लोगों ने इसके लिए प्ले कर देने होंगे, ठीक है। तो मिशंस को अच्छी तरह समझो, फिर उसके बाद मिशंस बहुत ही जबरदस्त, मतलब आसान हो जाता है। उसके बाद हमारे पास एक और चैलेंज है। तो व्यूअर्स, आप लोगों को स्क्रीन पर एक और चैलेंज शो हो रहा है, लैंड ऑन एनी रूफटॉप इन पेकेडो मीरमार 3 टाइम इन क्लासिक मोड। तो क्लासिक मोड में आप लोगों ने मीरामार वाला लोकेशन जो है वो सेलेक्ट कर लेना है और वहां पे आप लोगों को स्क्रीन पर पेकेडो लोकेशन शो हो रहा है, यानी आप लोग जब जहाज में होंगे तो आप लोगों ने इस पेकेडो वाले लोकेशन पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है, यानी मार्क कर देना है। मार्क करने के बाद आप लोगों ने वहां पे लैंड कर लेना है, लेकिन पेकेडो में किसी बिल्डिंग पे ऊपर आप लोगों ने लैंड करना है तो आप लोगों का चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। लैंड ऑन एनी रूफटॉप इन स्नोक मिलिट्री बेस एरेंगल 3 टाइम इन
क्लासिक मोड। तो क्लासिक मोड में ये फिर से है, लेकिन कौन सा मैप है इसके लिए? एरेंगल। कह रहा है कि क्लासिक मोड में जाओ, यहाँ एरेंगल में गेम प्ले करो। एरेंगल में गेम प्ले करते वक्त आप लोगों ने, मतलब जब जहाज उड़ जाए और जहाज में आप होंगे, तो आपने मैप को ओपन कर देना है। मैप को ओपन करते ही आप लोगों ने मिलिट्री बेस, यानी मिलिट्री बेस जो है वहां पे मार्क कर देना है, और वहां पे आप लोगों ने उतरना है। और ये कितनी दफा करना है? कितनी दफा? मतलब 3 times करने, ठीक है। और हाँ, ये भी बात बता दूं, रूफ टॉप मतलब आप लोगों ने छत पे उतरना है, ठीक है, छत पे उतरना है। अगर छत पे नहीं उतर गए तो शायद आप लोगों का ये चैलेंज कंप्लीट ना हो। आप लोगों ने रूफ टॉप मतलब आप लोगों ने छत पे उतरे, मिलिट्री बेस के कोई सा वो बिल्डिंग, जो 3 buildings है उसकी किसी बिल्डिंग में आप लोग छत पे उतर जाओ, तो ये 3 times करो। और हाँ, वो पेराडाइस वाली भी, उसमें भी आप लोगों ने छत पे उतरना है, ठीक है। तो रूफटॉप जब भी लोग जब भी होगा आप लोगों ने छत पर उतरना है। उसके बाद हमारे पास एक और चैलेंज है, किल 3 enemies विद AWM इन एनी मूड। तो AWM तो बहुत ही मतलब वो वाली गन है, मशहूर गन है। यहाँ पे मैं आकर आप लोगों को दिखा दूँ, ये AWM है, ठीक है। ऐसा गन आप लोगों को कहाँ पे मिलेगा गेम में? आप लोगों ने क्लासिक मूड में इस चैलेंज के लिए गेम को प्ले कर देना है, इसमें से किसी भी। और हाँ, करना क्या है, पहले आप लोगों ने थोड़ी बहुत लूट करनी है ताकि आप लोगों के पास कोई गन हो। उसके बाद जब भी ड्रॉप आता है आप लोगों ने डायरेक्टली गाड़ी को लेके ड्रॉप के पास जाना है और AWM पहले से लेना है। AWM को लेने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने, सॉरी, इसमें क्लासिक मूड नहीं लिखा है कि मतलब आप लोगों ने क्लासिक मूड, इसमें किसी भी मूड में आप लोगों ने को लिखा है। तो ड्रॉप में आप लोग AWM ले लोगे और 3 बंदों को आप लोगों ने उससे मारना होगा। तो 3 बंदे तो बोट भी हो सकते हैं, तो उसको मारो, तो आप लोगों का चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। और इजी तरीका ये है, मेरा सजेशन आप लोगों को ये है कि आप लोगों को अगर ये लिखा है आप लोगों को, मतलब इन एनी मूड, इन एनी मूड का मतलब किसी भी मोड में, तो यहाँ पे आप अर्केड में आओ, अर्केड में ये स्नाइपर ट्रेनिंग जो है ये वाला लगाओ, ठीक है, ये वाला, ये जो 2nd number पर स्नाइपर ट्रेनिंग लगाने के बाद आप लोगों ने वहां पे आप लोगों को AWM रूम में मिलेंगे, पड़े होंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने उठानी है और इजीली आप लोगों को AWM वहां पे मिल सकती है। उसके बाद हमारे पास एक और चैलेंज आ रहा है, पिक अप बैक पैक 3 level 3 और 10 matches इन क्लासिक मोड। तो क्लासिक मोड में आप लोगों ने गेम प्ले कर देना है और बैक पैक जो है, यानी ये जो ये आप लोग देख सकते हो, ये बैक पैक है, ये जो मेरा बैग लगा हुआ है मेरे पीछे, ठीक है, तो ये भी लेवल 3 का है। तो लेवल 3 का आप लोगों ने उठा देना है, लेकिन शायद आप लोगों के पास ये वाला स्किन ना हो जो मेरे पास है season 6 का। तो आप लोगों ने मतलब लेवल 3 का बैग उठाने है। और हाँ, लेवल 3 का बैग अगर आप लोगों को नहीं मिल रहा तो आप लोगों को ड्रॉप पे जरूर मिल जाएगा, ठीक है। ड्रॉप पे जाओ और ड्रॉप पे आप लोगों को जरूर मिल जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से मतलब ये चैलेंज भी आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक और चैलेंज है, ये वाला, हाँ, तो आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो रहा है, ऑक्युपाई द बेस इन एरिना फॉर मतलब 100 seconds, ठीक है। तो करना क्या है, जैसा कि मैंने टाइटल में भी ये दिया हुआ है, यानी ये टाइटल में नहीं दिया हुआ है, ऑक्युपाई द बेस इन एरिना फॉर 100 seconds, तो 100 seconds के लिए आप लोगों ने ऑक्युपाई करना है बेस को। किस बेस को? एरिना में, एरिना में जाके। तो यहाँ पे मैं जल्दी से एरिना को आप लोगों को सामने दिखा देता हूँ। यहाँ पे ईवो ग्राउंड में आप लोग आ गए, इसमें आप लोगों को एरिना शो हो रहा है, एरिना, ठीक है। तो ये एरिना ऊपर लिखा है, लेकिन ये वाला आप लोगों ने प्ले नहीं कर देना है, यहाँ डोमिनेशन में आना है, डोमिनेशन। एरिना तो सारे है, मतलब ये सारे एरिने में आते हैं ये मैप्स, लेकिन एरिना में आप लोगों ने डोमिनेशन प्ले कर देना है, ये टाउन वाला। डोमिनेशन प्ले करने के बाद मतलब गेम शुरू होने के बाद, उसके बाद आप लोगों को इर्द गिर्द के मतलब राउंडेड दायरे सर्कल मिलेंगे। सर्कल में आप लोगों ने खड़ा होना है और आपने खड़े होकर 100 seconds तक उस जो मतलब वो लोकेशन है वो आप लोगों ने ऑक्यूपाई करना है, मतलब वो सेफ रखनी है एनिमीज से। उस जगह पे आप लोगों ने 100 seconds तक खड़ा होना है।
100 सेकंड में खड़े होने के बाद उसके बाद आप लोगों का ये चैलेंज कंप्लीट कंफर्म कंप्लीट हो जाएगा। और अगर 100 सेकंड आप लोगों ने नहीं मतलब स्पेंड किए नहीं गुजारे तो हो सकता है आप लोग 50 सेकंड मतलब वहां पे गुजारा और वहां पे मर जाओ। तो करना क्या होगा, आप लोगों ने सेकंड गेम प्ले कर देना है, फिर से आप लोगों ने वही एरिना में जाके उसी मतलब डोमिनेशन को प्ले करके फिर से आप लोगों ने नेक्स्ट टाइम करना है तो यकीनन हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक और चैलेंज है, किल 3 एनिमीज विद पेन इन क्लासिक मोड। तो यार पेन के साथ आप लोगों ने 3 बंदों को मार देना है, ठीक है, तो आप लोगों का ये चैलेंज भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास एक और चैलेंज है, किल 2 एनिमीज विद 200 सेकंड्स ऑफ लैंडिंग इन क्लासिक मोड। 2 बंदों को आप लोगों ने मार देनी है, ठीक है, विद इन 100 सेकंड्स ऑफ लैंडिंग इन एनी मोड, क्लासिक मोड। तो क्लासिक मोड में आप लोगों ने सबसे पहले गेम प्ले कर देना है। प्ले कर देने के बाद आप लोगों ने जहाज में जब आप लोग होगे तो जब भी आप लोग जहाज से नीचे उतरोगे मतलब नीचे उतर गए, ठीक है, पैराशूट से भी उतर गए, ठीक है, पैराशूट से, लेकिन हाँ आप लोगों ने किस तरह उतरना है, जब भी आप लोग लैंड करोगे तो आप सीधा मतलब स्ट्रेट मतलब सीधा जमीन पे आना है, मतलब थोड़ा बहुत लंबा नहीं आना है, सीधा जमीन पे आना है। और जमीन में जब भी आप लोग लैंडिंग करोगे उस टाइम से आप लोगों के 100 सेकंड स्टार्ट हो जाएंगे। 100 सेकंड के अंदर आप लोगों ने 2 बंदों को मार देना है, ठीक है, तो आप लोगों का चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। और इसके लिए मेरा सजेशन आप लोगों को ये है कि आप लोगों ने जॉर्जा पूल में जाना है। जॉर्जा पूल में अगर आप लोगों का नेट अच्छा होगा तो पिंग्स अच्छे आते होंगे, और आप लोगों ने जॉर्जा पूल में लैंडिंग के बाद आप लोगों को अगर गन मिल जाती है किस्मत से तो वहां पे बहुत सारे बंदे होते जो कि आप लोग 100 सेकंड में इजिली 200 सेकंड में इजिली 2 बंदों को मार सकते हो। उसके बाद हमारे पास एक और चैलेंज है, किल 3 एनिमीज विद फ्रेगर नेट इन एनी मोड। 3 बंदों को फ्रेग ग्रेनेड के साथ मार देना है, ठीक है, 3 बंदों को फ्रेग ग्रेनेड के साथ, ठीक है, वो वाला ग्रेनेड जिसे मतलब धमाका होता है, वो वाला नहीं जो स्मोक कर लेता है। उसके बाद हमारे पास एक और चैलेंज है, कंप्लीट 8 मैचेस इन आर्केड मोड। तो ये आर्केड मोड है, इसमें यार 8 मैचेस प्ले करते जाओ, इसमें कोई भी मिशन से आप लोग यानी कोई भी मैप में प्ले कर लो, तो ये आर्केड से रिलेटेड है। इसमें आप लोगों ने मतलब कि कितने गेम प्ले कर देने, 8। उसके बाद हमारे पास एक और चैलेंज है, किल 20 एनिमीज विद द PP19 विजन एर आर द MP5 के SMG इन क्लासिक मोड। तो इसके साथ आप लोगों ने 20 बंदों को मार देने। यहाँ पे मैं जल्दी से वो गन दिखा देना चाहता हूँ, ये वाले, ये आप लोगों को शो हो रहा है, SMG में आते हैं, ये विजन भी हैं और ये MP5 के भी हैं। इसके साथ आप लोगों ने कोई भी गन हो इसमें से कोई, ये नीचे वाले जो है, आप लोगों ने 20 बंदों को मारना है तो आप लोगों का ये चैलेंज भी कंप्लीट हो जाएगा। तो व्यूअर्स अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, और हाँ एक और चैलेंज है जो कि आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो रहा है, किल 30 एनिमी विद AKM इन एरिना। तो एरिना में गेम आप लोगों ने प्ले कर देना है। यहाँ पे मैं जल्दी से फिर से दिखा दूँ, एरिना ये आर्केड में, सॉरी ईवो ग्राउंड में एरिना, ये आप लोग देख सकते हो। इसमें किसी भी मैप में आप लोग प्ले करो, AKM उठाओ, AKM गन तो आप लोगों को पता ही होगा, और फिर उस AKM से आप लोगों ने 30 बंदों को मार देना है। आप एक मैच इसमें कर सकते हो, 2 मैच इसमें कर सकते हो, 3 में कर सकते हो, जितने मर्जी चाहे उस मैच में कंप्लीट कर लो तो आप लोगों का चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। तो व्यूअर्स अगर आप लोगों ने मतलब आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ वाली घंटी पर क्लिक कर देना। और हाँ अगर आप लोगों को मेरी इंस्टाग्राम आईडी चाहिए तो आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप लोगों ने जस्ट मुझे वहां पे फॉलो करना है और वहां पे आप लोगों ने मैसेज करना है वीडियो की कि आप लोग मतलब मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप लोगों को मैं बनाता रहूंगा, ठीक है। तो व्यूअर्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।